दोस्तों स्वागत है आपका ऑटो रेंज पे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस आज मैं चला रहा हूँ ये कार जो कि दी ब्रांड न्यू MG ग्लॉस्टर ब्लैक स्टॉर्म एडिशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस कार का डिटेल परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं। 0-100, 0-120 ब्रेकिंग टेस्ट, कॉर्नरिंग टेस्ट, राइड क्वालिटी टेस्ट, ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट कौन सी कार, बाइक या स्कूटर आप देखना चाहोगे ऑन द चैनल, वो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन द सेम। मैंने आपको जो है काफी ज्यादा यूज कार के वीडियोस भी दे दिए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो बाय गेटिंग इनटू आवर प्लेलिस्ट। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो टनल आ रहा है, तो यहाँ पे टनल में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑब्वियसली आपको मिलता है। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो रेड कलर की आपको जो एम्बियंट लाइटिंग थ्रू आउट द डैशबोर्ड आपको देखने में मिल जाती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। एक स्पोर्टी टच डेफिनेटली ये ऐड करती है टू द कार। अब इस वक्त जो है मेरी कार जो है वो इको मोड में इसको क्विकली लॉन्च कर देते। लेट्स गो। सो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि इको मोड में भी आपको जो है ये SUV डिसेंटली क्विक देखने के लिए मिल जाएगी। कंसिडरिंग इट्स साइज, इट इज ह्यूमंगस टू बी वेरी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ द साइज। और डिजाइन वाइज अगर आप देखेंगे तो रोड प्रेजेंस कमाल का आपको जो इस कार का दिखने में मिल जाता है। अब जो हम लोग इसका 0-100 का टेस्ट करने वाला है इन स्पोर्ट मोड, सो लेट्स सी कि स्पोर्ट मोड में जो है ये 0-100 कितने सेकेंड में पहुंच जाती है। टाइमिंग आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और ब्रेकिंग भी हम लोग जो है वो अप्लाई करके देखने वाले हैं। सो यहाँ पे लेट मी क्विकली गेट इन टू स्पोर्ट मोड। ओके, वी आर इन स्पोर्ट मोड। लेट मी क्विकली स्विच ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। ओके, 3-2-1 एंड गो। सो डेफिनेटली आपको जो है थोड़ा सा व्हील स्पिन देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। और ये हम लोग पहुंच गए 100। लेट मी क्विकली अप्लाई द ब्रेक्स एंड पीछे मैंने अपनी बैग रखी थी वो नीचे गिर चुकी है। सो यहाँ पे ब्रेक बाइट जो है वो आपको थोड़ा स्पॉन्जी देखने के लिए मिल जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो डिसेंट इनफ आपको जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है फ्रॉम द SUV। राइड क्वालिटी जैसे कि आपने देखा मैं स्पीड ब्रेकर से लेके गया हूँ इसको, तो ये जो है राइड क्वालिटी बहुत ही कंफर्टेबल है, जिसकी वजह से कंफर्ट ये शानदार आपको प्रोवाइड करती है ये कार। बट सॉफ्ट राइड क्वालिटी होने के कारण जो है थोड़ा सा आपको मूवमेंट अंदर फील होने वाला है। अगर आप स्पीड ब्रेकर से तेज लेके जाते हो तो धीरे लेके जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन कंफर्ट ये आपको प्रोवाइड कर देगी। अब जो यहाँ पे काफी ओपन हाईवे है, सो लेट मी क्विकली लॉन्च द कार और लेट्स सी कि ये जो है कितना मैक्सिमम स्पीड जो ये रोड पे जा सकती है। 3-2-1 एंड गो। सो जब आप इसको लॉन्च करते हो तो काफी बेहतरीन तरीके से ये जो है ये पेस पिक करना स्टार्ट करती है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 115, 124, 130, ओके 150 तो इधर आराम से जो है इस कार ने टच कर लिया है। एंड ब्रेक्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉपिंग डिस्टेंस डिसेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट जो है आपको इस कार का ब्रेक बाइट जो है वो यहाँ पे स्पॉन्जी देखने के लिए मिलने वाला है। फिर से वी आर आउट ऑन द हाईवे। लेट मी क्विकली गो ऑन द गैस पेडल। सो गाइस आई थिंक मैं आपको स्पीड दिखा दी है, अब जो है मैं आपको स्पीड नहीं दिखाने वाला हूँ। बाय द वे ये जो रोड था वो कम्प्लीटली एम्प्टी था, सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कम्प्लीटली ओपन हाईवे यहाँ पे आपको जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। काफी एम्प्टी हाईवे है और ज्यादा आसपास कोई है नहीं। ये वीडियो जो है मैं सिर्फ एक वीडियो के लिए ये स्पीड आपको दिखा रहा हूँ, बट यूजुअली आई ड्राइव लाइक दिस, एकदम आराम से मैं जो है ये कार चलाता हूँ। एंड दिस इज जस्ट प्योरली फॉर इंफोटेनमेंट पर्पज, सो आई वुड से कि आपको जो है स्पीडिंग जो है वो अवॉइड कीजिए और किसी को भी इमिटेट करना जो है वो बिल्कुल भी आप मत कीजिए एनी विच वे। सो नाउ लेट्स क्विकली गेट बैक टू द पॉइंट। तो जो ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है उसमें आपको जो है आपको कुछ माइनर चेंजेस देखने में मिल जाएंगे कंपेयर टू द रेगुलर ग्लॉस्टर। रेगुलर ग्लॉस्टर का भी डिटेल रिव्यू मैंने ऑलरेडी चैनल पे दे दिया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये दिस कार कम्स लोडेड विद फीचर्स, तो यहाँ पे आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑब्वियसली फुल्ली डिजिटल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे काफी सारे मोड्स आपको देखने के मिल जाते हैं।
टोटल 7 या 8 ड्राइविंग मोड्स यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे देखने में मिल जाएंगे। स्पोर्ट में मैं गाड़ी चला रहा था, अब जो है वापस मैं इको में आ चुका हूँ बिकॉज हमें फ्यूल भी सेव करना है और अब जो है हमें परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे जो है ये कार जो है कंफर्टेबल क्रूजिंग के लिए बनाई गई है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आराम से आप जो है राइड क्वालिटी सॉफ्ट है, आपको कंफर्ट शानदार ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। सो गाइस यहाँ पे आगे जो है एक टर्न आ रहा है। सो यहाँ पे जैसे कि आप देखो मेरी स्पीड जो है 80 की है और ये है आपका हैंडलिंग टेस्ट कि किस तरह से हैंडल कर पाती है। सो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फील एंड फीडबैक के मामले में ये एसयूवी उतनी ज्यादा खास है नहीं। सेकेंडली इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो बहुत लाइट है। इनफैक्ट ये स्पीड पे भी मैं इसको जो है अपने 70 की स्पीड पे भी मैं दो उंगलियों से जो है इसको हिला सकता हूँ। तो गाइस इसकी जो हैंडलिंग है वो फील एंड फीडबैक के मामले में बेटर हो सकती थी। और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि स्टीयरिंग जो है 70 की स्पीड पे भी जो आराम से आप दो उंगलियों से इसको जो है मूव कर सकते हो, इतना हल्का स्टीयरिंग व्हील है। हल्का स्टीयरिंग व्हील आपको सिटी में काम आएगा लेकिन हाईवे पे जो है आपको जो है थोड़ा वेट बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप जो है आपको आराम से चलना पसंद है तो ये स्टीयरिंग व्हील आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन अगर आप एक एंथुजियास्ट है तो आपको जो है हो सकता है इसमें थोड़ा वजन आपको जो है इस स्टीयरिंग व्हील में कम लगे। अब यहाँ पे ऐसे कि आप देख सकते हो काफी टाइट यहाँ पे यू टर्न मारना है। यहाँ पे जैसे कि आप देखो स्टीयरिंग हल्का होने के कारण यहाँ पे काफी आराम से जो है वो यू टर्न बैठ गया है और स्टीयरिंग व्हील जो है रिटर्नेबिलिटी जो है स्टीयरिंग व्हील भी वो भी काफी बेहतरीन आपको देखने मिल जाती है। प्रॉपर रिटर्न आ जाता है स्टीयरिंग व्हील ऑन टू इट्स पोजिशन। अब ये ब्लैक स्ट्रॉ एडिशन है तो यहाँ पे आपको जो है ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने मिल जाएगा, बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ देखने मिल जाता है, ADAS के फीचर्स आपको देखने मिल जाता है। ADAS के फीचर्स पे सेपरेट मैंने रील ऑलरेडी बना दिया है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस आई थिंक मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी है। इस कार की जो एक शोरूम प्राइस है वो भी आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ रही है। यहाँ पे ऐसी आप देख सकते हो काफी बैड पैच ऑफ रोड है और यहाँ पे ये कार जो है राइड क्वालिटी जो है सॉफ्ट होने के कारण आपको जो है कंफर्ट काफी शानदार ये प्रोवाइड कर देती है, तो ये काफी कंफर्टेबल कार है। सो गाइस अब जो है इसकी राइड क्वालिटी का टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है मोड थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लेट्स गेट इनटू सैंड मोड। तो ये यहाँ पे काफी वेट सरफेस है या फिर हम जा सकते हैं मड मोड, यहाँ पे मड है तो मड मोड में हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे रास्ता आई होप कि आपको दिख पा रहा होगा एंड यहाँ पे काफी खराब रोड है तो लेट्स क्विकली गेट इनटू दैट। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैं थोड़ी तेज लेके जाने वाला हूँ एसयूवी को ताकि आपको पता चले। सो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि जो राइड क्वालिटी इट इज ऑन द सॉफ्टर साइड जिसके कारण जो है आपको ये कार कंफर्ट शानदार प्रोवाइड यहाँ पे कर देती है एंड फोर व्हील ड्राइव होने के कारण ये कहीं पे अटकने वाली भी नहीं है। यहाँ पे लेट्स गेट इनटू रिवर्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो पीछे का कैमरा कम्प्लीटली डर्टी हो चुका है, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है तो चारों ओर का ये व्यू आपको जो है ये 2D व्यू दिखा रहा है आपको। यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये जो है ये 3D व्यू आपको यहाँ पे देखने के लिए कुछ इस तरह से मिल जाता है। और कैमरा क्वालिटी मेरे हिसाब से डेफिनेटली और बेटर हो सकती थी फॉर श्योर कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द कार। तो कैमरा क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली MG नीड्स टू अपग्रेड द कैमरा क्वालिटी ऑफ द ग्लॉस्टर। सो गाइस अब बात करते हैं किन लोगों को ये कार खरीदनी चाहिए। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको एक फीचर लोडेड कार चाहिए, ADAS के फीचर चाहिए, शानदार रोड प्रेजेंस चाहिए और अगर आपको कंफर्ट शानदार चाहिए देन दिस इज द कार टू गो विद। इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो काफी लाइट है, इनफैक्ट हैचबैक जितना लाइट आपको इसका स्टीयरिंग व्हील देखने में मिल जाएगा। तो सिटी में चलाने में आसानी होती है आपको, हाईवे पे जो है आप थोड़ा सा इसमें जो है वेट वो डेफिनेटली आप मिस करने वाले हो। सो दैट इज अबाउट इट। सो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आपको जो ये कार कंसिडर करनी चाहिए। अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ा और बेटर चाहिए, थोड़ा और ज्यादा फास्ट कार चाहिए और अगर आपको हैंडलिंग स्टीयरिंग व्हील में अगर वेट चाहिए और रिलायबिलिटी चाहिए तो डेफिनेटली आपको जो है टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ जाना चाहिए। आई होप कि मैंने सारे डाउट्स आपके जो है वो क्लियर किए होंगे। सिर्फ अगर आपको कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर मोस्ट ऑफ योर डाउट्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।